सुशांत सिंह राजपूत मामले में सिद्धार्थ पिठानी के बारे में चर्चा चल रही थी कि सिद्धार्थ पिठानी जो अब तक पीटा नहीं, लेकिन यह बातें अब गलत हो गई है। अब बोलिए कि सिद्धार्थ पिठानी जो पीट चुका है, जी हाँ, एनसीबी के डंडे के डर से आखिर सिद्धार्थ पिठानी ने वो कौन सी बातें कबूल दी है जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया है और सिद्धार्थ पर जो शक था वो शक सच में तब्दील हो गया है। सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी हुई यह सबको पता है, एनसीबी ने मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया और फिर उन्हें रिमांड पर भेजा गया है, यह भी सबको पता है। लेकिन एनसीबी के सामने सिद्धार्थ पिठानी ने जो कबूला है उसके बारे में पूरे देश को जानना जरूरी है। सीबीआई ने अब तक क्या किया है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन एनसीबी क्या कर रही है ये सबको पता है। अब ऐसा लगने लगा है कि एनसीबी की गिरफ्तारी के बाद सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई भी अपने हिरासत में लेगी। सही सुना आपने, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ सीबीआई के हाथ में भी ढेर सारे सबूत लग गए हैं। जब एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान ढेर सारी बातें उन्होंने उगल दी। अब जाकर पता चल रहा है कि सीबीआई भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, रिमांड पर ले सकती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सिद्धार्थ पिठानी पर शुरुआती दौर से शक था। ये वही शख्स है जो सुशांत की मौत के बाद पहली बार उनके दरवाजे को खोलता है और इसी ने ताले चाबी वाले को भी बुलाया था। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी पूरी तरीके से अब फंसता हुआ दिख रहा है। सिद्धार्थ पिठानी के बारे में ये चर्चा चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो चाबी थी, जिस चाकू से सुशांत सिंह राजपूत का फंदा काटा गया था और जिस ग्लास से सुशांत ने जूस पिया था, वो सारी चीज़ें एकदम गायब है। सीबीआई के हाथ में कुछ भी नहीं है, एनसीबी भी कह रही है कि उनके पास भी कुछ नहीं है। जी हाँ, आखिर वो चाकू गया तो गया कहाँ, जिस चाकू से सुशांत सिंह राजपूत के फंदे को काटा गया था, और फिर वो ग्लास जिसके बारे में चर्चा की जा रही है कि मौत के पहले सुशांत सिंह राजपूत ने ग्लास से जूस पिया था, वो ग्लास कहाँ गया, जी हाँ, उस पर भी शक है। और सवाल ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर की वो चाबी जिससे सुशांत सिंह राजपूत का दरवाजा बंद होता था, आखिर वो भी कहाँ है। पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के जो करीबी हैं वो अब शक के घेरे में हैं। सबसे ज़्यादा शक सिद्धार्थ पिठानी पर है। सिद्धार्थ पिठानी के बारे में ये चर्चा चल रही है कि सिद्धार्थ पिठानी ने ही सुशांत सिंह राजपूत के उस कमरे को पेंट करवाया जिसमें उनकी मौत हुई थी, और जिस तरीके से उन्होंने मकान मालिक से गुजारिश करके उसको पेंट करवाया, शक और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, फिंगरप्रिंट को मिटाने की कोशिश की गई, और सुशांत सिंह राजपूत के घर में जितने भी सामान थे उसको भी चेंज करा दिया, शक और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन वो चाकू, चाबी और ग्लास कहाँ है जिसका मौत से कनेक्शन है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पहले जिस ग्लास का इस्तेमाल किया गया था, जो दावा किया जा रहा है, आखिर वो ग्लास है तो है कहाँ, क्या उस ग्लास के जरिए कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश की जा रही है। उस ग्लास में कुछ ऐसी संदिग्ध चीज़ें थी, जूस में कुछ मिला हुआ था जिसके जरिए फॉरेंसिक टीम उसकी जांच कर सकती थी और कातिलों का पता लगा सकती थी। सिद्धार्थ पिठानी लगातार जिस तरीके से खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और हैदराबाद में दुबका हुआ था, जी हाँ, एनसीबी उन्हें कई बार समन भेज चुकी थी लेकिन उसका असर उस पर नहीं हो रहा था। एनसीबी ने घर पर छापा मारा, हैदराबाद में एक जगह है जहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी रह रहा था, जब वहाँ पर छापा मारा गया तो सिद्धार्थ पकड़ा गया। लोकल पुलिस को भी ये जानकारी नहीं दी गई कि एनसीबी वहाँ पर आ रही है, क्योंकि इससे जानकारी लीक हो सकती थी और लोकल पुलिस सिद्धार्थ पिठानी के साथ मिलकर उनको फरार करवा सकती थी। ये होशियारी तो एनसीबी ने दिखाई और सिद्धार्थ पिठानी आज गिरफ्त में है और सिद्धार्थ के जरिए कई ऐसे सबूत हाथ लग गए हैं। ड्रग्स को लेकर भी कई बातें की जा रही है कि सिद्धार्थ पिठानी एक ड्रग्स पैडलर भी था। सही आपने सुना, सिद्धार्थ पिठानी के बारे में जो चर्चा चल रही है कि सिद्धार्थ सुशांत के करीबियों तक ड्रग्स पहुंचाने का भी काम करता था। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये संगीन इल्ज़ाम रिया चक्रवर्ती पर लगाया था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स का आदि बनाना चाह रही थी, लेकिन सुशांत ने एक डायरी में लिखा था नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, यानी कि इन सारी चीज़ों का वो विरोध करते थे, उनके करीबी सुशांत को आदि बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इसमें सिद्धार्थ पिठानी का नाम सबसे पहला नाम सामने आया है। सुशांत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आई एम श्योर वो जहाँ भी वो हमें देख रहा है और ही इज़ जस्ट यू नो ही इज़ हैप्पी वेर एवर ही इज़ एंड आई एम और भी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, जैसे सुशांत के बारे में बताना चाहती हूँ। पवित्र रिश्ता की जो मानव है जो है उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। उसने हमेशा मुझे एक्टिंग सिखाई, मैं बिल्कुल एक्टर नहीं थी और ही वॉज द वन हु यूज़ टू टीच मी वॉट इज़ एक्ट, क्योंकि मैं बहुत ही जूनियर थी और वो बहुत सीनियर थे, तो वो हमेशा मुझे सिखाते थे। ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर,
ब्रिलियंट को-स्टार एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विथ हिम. आज सुबह से यू नो इट्स बीन रियली अपसेटिंग कि मैं इतने सारे वीडियोज़ देख रही हूँ जिसमें मेरी इतनी सारी यादें हैं, जिसमें सुशांत है, मैं हूँ. ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट को-स्टार एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विथ हिम. देन हितेन केम एज माना, बहुत सीनियर एक्टर है ऑब्वियसली, और हितेन के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. आई मीन उनकी मस्ती सेट पर बहुत सारी होती थी और बहुत अच्छा लगता था. उषा नाडकर्णी जी जो मेरी सांस बनी है, आई थिंक शी हैज़ बीन अमेजिंग मदर इन लॉ टू मी. एंड वो सच में मेरी मदर इन लॉ लगती थी मुझे, क्योंकि वो हमेशा डांटती रहती थी, चप्पल मत पहनो सेट पे, ये मत करो, वो मत करो. तो उनसे बहुत कुछ सीखा है. फिर सविता प्रभु ने, जो मेरी आई बनती थी, वो आज भी मेरी आई हैं, और उनसे जो जब वो मेरे लिए लड़ती थी, एक्चुअली जब पवित्र के आपने सीन्स देखे होंगे, जब शी यूज़ टू फाइट फॉर मी, मुझे लगता था मेरी माँ मेरे लिए लड़ रही है. एंड शी हैज़ ऑलवेज गिवन मी दैट वॉर्म्थ कि तू मेरी बेटी है. एंड टिल टुडे वी हैव दैट रिलेशनशिप विद उषा आई ऑल्सो एंड विद सविता आई ऑल्सो. फिर उसके बाद हमने बहुत सारे एक्टर्स आए, बहुत सारे नए लोग, जनरेशन, बहुत सारी अर्चना ने जनरेशन देखी है. और 6 साल एक शो पर काम करना ऑटोमेटिक एक परिवार हो जाता है. और फ्रॉम माय स्पॉट दादा टू माय मेकअप दादा टू एवरीवन, यू नो वो मेरा परिवार हमेशा से था और आज भी है. आज भी मेरे राम दादा हैं, राजू दादा हैं, बशीर दादा हैं, जिन्होंने इतने साल मेरे साथ काम किया है, आज भी वो मुझसे जुड़े हुए हैं. और इतने सारे डायरेक्टर्स रहे हमारे, कुशल सर जो कि मेरे फेवरेट डायरेक्टर है, और बहुत अच्छे अच्छे ब्रिलियंट एक्टर्स जिनके नए जनरेशन जब आया, जब ऋत्विक आशा आए, मृणालिनी त्यागी, ओवी, श्रुति कन्वर, आई एम सो सॉरी, श्रुति कन्वर, इन लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया. फिर एक नया लॉट आया जिसमें मैं कनेक्ट हुई वापस से, जिसमें थे अपर्णा, करण और मीनल थी जो कि मनीष था, और बहुत लोग थे. तो आई थिंक आई हैव सीन, एक्चुअली अगर मैं कुछ नींद में से भी उठ के अर्चना की जर्नी बतानी हो तो आई कैन टेल यू, आई कैन जस्ट बी अर्चना इन अ वन स्विच, यू नो. मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी फीलिंग है कि अर्चना से मैं इतना कनेक्ट कर पाती हूँ. और उसके ऊपर से आप सब लोगों का इतना सारा प्यार, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत नसीब से ऐसा प्यार मिलता है. सब कुछ है, मेरा घर है, मेरे पास कार है, मेरे पास अपने लोगों की मैं सारी चीज़ें पूरी कर सकती हूँ, यू नो. दैट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अगर आप लोग प्यार नहीं देते पवित्र रिश्ता को तो शायद शो नहीं चलता. और आपके बिना हम सब अधूरे हैं. आपका प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सो रियली थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी. और इतने सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सबका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव. Thank you so much. Thank you.